जादुई गाउन और सैंडल। गोरखपुर नामक राज्य में राजा महेंद्र प्रताप राज किया करते थे। उनका पुत्र शिव प्रताप वहाँ का राजकुमार था। उसी राज्य में देवकी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। देवकी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसकी नीली आंखें और लंबे लंबे काले लहराते हुए बाल उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ाते थे और वो बहुत ही होनहार लड़की थी। इसकी वजह से उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई थी। सभी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इलाज कराने के बावजूद वो बच नहीं पाती और उनकी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत को देविका बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। इस औरत की पहले से ही एक बेटी भी थी जिसका नाम मोना था। शादी के बाद उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन मोना भी आकर देविका के घर में रहने लगती है। घर में आते ही देविका की सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगती है। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन घर में मालकिन की तरह रहती और देविका को घर में नौकरानी की तरह रखती। वे दोनों उससे घर के सारे काम करवाती और कोई भी गलती होने पर उसके साथ में पिटाई भी किया करती थी। एक दिन जब देविका पोछा लगा रही होती है तो उससे थोड़ी सी गंदगी छूट जाती है, जिस पर उसकी सौतेली माँ उसे सुनाना शुरू कर देती है। ए लड़की, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ढंग से सफाई किया कर, लेकिन एक बार में लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। रुक, आज मैं तेरा अच्छे से इलाज कर देती हूँ। इतना कहकर देविका की सौतेली माँ उसे डंडे से मारना शुरू कर देती है। आह माँ, माँ मुझे मत मारिए, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? आखिर मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है जो आप हमेशा मुझे डांटती और मारती रहती है? अच्छा, तुझे क्या लगता है कि तू इस घर की महारानी है जो तेरे साथ में अच्छे तरीके से पेश आया करूं? ये घर पहले तेरा था, लेकिन अब ये घर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी का है। तू इस घर की सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, नौकरानी। इसलिए मुंह बंद करके चुपचाप काम किया कर। और इतने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े तूने किस खुशी में पहन रखे हैं? जाकर फटे पुराने कपड़े पहन। और हाँ, आज के बाद तू अपने कमरे में नहीं रहेगी, रसोई घर में सोया करेगी, समझी? अब से तेरा कमरा मेरी बेटी का होगा। इतना कहकर देविका की सौतेली माँ उसे फटे पुराने कपड़े लाकर दे देती है और उसके कमरे से उसका सारा सामान निकाल कर अपनी बेटी का सामान उस कमरे में सजा देती है। देविका भी चुपचाप उन फटे पुराने कपड़ों को पहनकर वापस से अपने कामों में लग जाती है। उधर राजा महेंद्र प्रताप अपने पुत्र शिव प्रताप की शादी के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की खोज रहे थे, इसलिए वो पूरे राज्य में घोषणा के लिए सिपाहियों को भेज देते हैं, जो गांव-गांव जाकर राजकुमार की शादी के लिए लड़कियों के प्रस्ताव भेजने के लिए ढिंढोरा पीटते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे गाँव वाले ध्यान से सुनो, हमारे राजा महेंद्र प्रताप अपने पुत्र शिव प्रताप के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की को ढूंढ रहे हैं। इसलिए सभी गांव वालों से निवेदन है कि वो अपनी शादी योग्य बेटियों के साथ कल स्वयंवर में जरूर पहुँचे। सिपाहियों की घोषणा सुनकर पूरे राज्य की युवा लड़कियों में खलबली मच जाती है। सभी लड़कियां स्वयंवर में तैयार होने के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। ये खबर देविका की सौतेली माँ के कानों में भी पहुँचती है तो वो ये बात अपनी बेटी मोना को बताती है। मोना बेटी, राजा साहब ने राजकुमार की शादी के लिए कल स्वयंवर की घोषणा करवाई है, जिसमें राज्य की सभी युवा लड़कियों को जाना है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर उस स्वयंवर में चलो, ताकि तुम्हारी शादी राजकुमार से हो जाए और हम बहुत अमीर हो जाए। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर स्वयंवर में जाऊंगी। चलिए तो हम अभी से तैयारियों में लग जाते हैं। आप मेरे लिए सुंदर सा गाउन और सैंडल ले आइए, फिर कल मैं वही सुंदर गाउन और सैंडल पहनकर और पार्लर में तैयार होकर स्वयंवर में जाऊंगी। हाँ बेटी चलो, मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगा और सुंदर गाउन और मैचिंग सैंडल दिला देती हूँ। देविका अपनी सौतेली माँ और बहन की सारी बातें सुन रही होती है तो वो अपनी सौतेली माँ से कहती है कि
माँ, मैं भी स्वयंवर में जाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए भी एक गाउन और सैंडल ले आना, ताकि मैं कल उन्हें पहन सकूं। अरे वाह, महारानी जी आप भी स्वयंवर में जाना चाहती हैं। लगता है आपने ठीक से पूरी बात सुनी नहीं। शादी राजकुमार की होनी है और राजकुमार अच्छे घर की लड़कियों से शादी करते हैं, ना कि नौकरानी से। तुम तो राजकुमार से शादी करने के सपने देखना बंद करो और अपना ध्यान घर के कामों में लगाओ, समझी। इतना कहकर देविका की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन मोना दोनों खरीदारी करने के लिए बाजार चले जाते हैं। अपने सौतेली माँ की बातें सुनकर देविका को बहुत बुरा लगता है और वह चुपचाप कोने में बैठकर रोने लगती है और वह अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहती है, माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। कल राजकुमार ने शादी के लिए स्वयंवर रखा है जिसमें गांव की सभी युवा लड़कियां तैयार होकर जाएंगी और राजकुमार उनमें से किसी एक को पसंद करके उससे शादी करेंगे। मैं भी उस मेंबर में जाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए इन फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं यही पहनकर वहां चली गई तो शादी तो बहुत दूर की बात है। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहकर मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? कहां से अपने लिए गाउन और सैंडल लाऊं? देविका की बातें सुनकर उसकी माँ की तस्वीर में से अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो रोशनी देविका की माँ की आत्मा बनकर बाहर आ जाती है और उसे कहती है, बेटी देविका तुम रोना बंद करो, देखो मैं वापस आ गई। अपनी माँ को देखकर देविका बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है और उन्हें कहती है, माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है आपके जाने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? देविका अपनी माँ को शुरू से लेकर अभी तक की सारी बातें बताती है और साथ ही साथ राजकुमार के स्वयंवर की बात भी कहती है। माँ मैं भी उस स्वयंवर में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मेरी कुछ मदद कीजिए ताकि कल मैं भी राजकुमार से शादी करने के लिए उनके स्वयंवर में जा सकूं। बेटी तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे इस परेशानी का हल है। तुम्हें मेरा शादी वाला बक्सा याद है जो अभी स्टोर रूम में पड़ा हुआ है? हाँ माँ मुझे पता है, वो बक्सा तो काफी समय से वहीं पर पड़ा है। आपके जाने के बाद से आज तक मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा। बेटी उस बक्से में मेरी शादी का जादुई गाउन और सैंडल रखे हैं जो कि तुम पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो कल जब तुम्हारी सौतेली माँ और बहन पार्लर जाने के लिए घर से निकल जाए तो तुम इस बक्से को खोलकर इसमें से अपने लिए वो सुंदर सा गाउन और सैंडल निकाल लेना और वही पहनकर राजकुमार के स्वयंवर में चली जाना। लेकिन ध्यान रखना, ये बात तुम्हारी सौतेली माँ और बहन को पता ना चले। ठीक है माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ध्यान रखूंगी इस बात का कि ये बात मेरी सौतेली माँ और बहन को पता ना लगे। देविका को उसकी परेशानी का समाधान देकर उसकी माँ की आत्मा वापस से तस्वीर के अंदर चली जाती है और अगले दिन जब देविका की सौतेली माँ और उसकी बहन मोना तैयार होने के लिए पार्लर जाती है तो देविका उस बक्से में से अपनी माँ का जादुई गाउन और सैंडल निकालकर पहन लेती है और घर पर ही थोड़ा बहुत तैयार होकर राजकुमार के स्वयंवर में पहुँच जाती है। वहाँ पर पहले से ही राज्य की सभी लड़कियाँ तैयार होकर पहुँच चुकी होती है जिसमें उसकी सौतेली बहन मोना भी होती है। लेकिन जैसे ही देविका राजमहल के अंदर घुसती है सभी की निगाहें देविका पर ठहर जाती है क्योंकि वो उस जादुई गाउन और सैंडल में किसी परी से कम नहीं लग रही होती। और उसके बाद जब राजकुमार आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र देविका पर ही पड़ती है और वो उसे देखते ही पसंद कर लेते हैं और उससे कहते हैं, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी सुंदर और सुशील लड़की कभी नहीं देखी। बिना मेकअप के भी तुम किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। मैं केवल तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद राजकुमार और देविका की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है जिससे देविका के जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना जीवन राजमहल में राजकुमार के साथ व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ रोज देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।